हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या होप एकदम मजे में हो गए आप सब। अगर आप लोग वेट कर रहे थे दुनिया की सबसे लंबी गाड़ी का, आज आपके लिए लेके आ गया हूँ। और ये जीप की सबसे महंगी गाड़ी भी है। जीप ने एक नया ब्रांड तैयार किया है जिसका नाम है ग्रैंड वैगनियर। और मेरे पास है ग्रैंड वैगनियर लॉन्ग व्हील बेस। और इसका बैक साइड आपको कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि रेगुलर से 1 फुट लंबी है। और ये इतनी बड़ी स्पेस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंफर्ट में कोई भी समझौता करोगे। यहाँ पे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिल रहा है आपको रियर के लिए। तो क्रेजी चीजें सारी आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले अब हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। लुक्स की अगर बात करूँ तो ड्यूअल टोन वाला पेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, व्हाइट एंड ब्लैक। और ब्लैक जो है वो टॉप टॉप पे आपको मिल रहा है, तो काफी अच्छा लुक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और ये गाड़ी आ रही है अभी ऑब्सीडियन पैकेज के साथ, तो यहाँ पे सारी चीजें जो है वो ब्लैक्ड आउट आपको दिख रही होंगी। आप ग्रिल देखो, बॉटम में देखो, इवन की जो आपकी रिकवरी हुक्स हैं वो भी ब्लैक में हैं। व्हील्स आपको ब्लैकआउट मिल रहे हैं, मिरर्स आपके ब्लैक हैं, तो बहुत ही कूल। और ये सीरीज 3 टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है, तो यहाँ पे काफी सारे मॉडल्स आते हैं ग्रैंड वैगनियर के भी, सारे ऑप्शंस इस गाड़ी के अंदर मिलेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट की बात करते हैं, बहुत ही कमाल का ग्रिल। और इस गाड़ी में कहीं पे भी आपको जीप लिखा हुआ नहीं दिखेगा। जीप जो है वो ग्रैंड वैगनियर को एक डिफरेंट ही ब्रांड की तरह स्टार्ट कर रहा है। सबसे पहले उसी का एक लुक आपको फ्रंट में मिलेगा जहाँ पे वैगनियर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ग्रिल आप देखो जैसा जीप का रहता है वैसा ही, बट पूरा ब्लैक आउट ग्रिल है क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ पे ऑब्सीडियन पैकेज है। फ्रंट में आपको कैमरा भी मिल रहा है, कैमरा के लिए वॉशर भी मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे वॉशर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, फॉग लैंप्स हो, हेडलाइट्स हो, DRLs हो, सब में आपको LED देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही कमाल का लुक यहाँ पे मिल रहा है, बहुत सारे सेंसर्स, बहुत सारे कैमरास, रिकवरी हुक भी यहाँ पे जैसे मैंने कहा ब्लैक में है। तो देखने में गाड़ी कमाल की फ्रंट से, आपको कैसा लग रहा है लुक मुझे बताना जरूर। फ्रंट के बाद अगर साइड प्रोफाइल की बात करें, बहुत ही बड़ी गाड़ी, और यहाँ पे हमें ऑब्सीडियन पैकेज के साथ मिल जाते हैं 22 इंचेस के व्हील। पिरेली के टायर्स आपको मिलते हैं कंपनी की तरफ से ही। और यहाँ पे आपको पावर डिप्लॉयड रनिंग बोर्ड्स भी मिल जाते हैं, जैसे ही कार डिटेक्ट करती है आपको अपने आप जो आपके रनिंग बोर्ड्स हैं वो आ जाते हैं। और अगर आप रनिंग बोर्ड का कलर भी देखोगे वो भी ब्लैक ही है रूफ के साथ मैच करते हुए, तो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब आप इस प्रोफाइल से गाड़ी को देखते हो तो आपको पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे एक रनिंग बोर्ड्स हैं, पर जैसे आप गाड़ी के पास जाओगे रनिंग बोर्ड्स आपका वेलकम करने के लिए ओपन हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको पावर फोल्डिंग मिरर्स मिल जाते हैं जिनके अंदर ही आपको टर्न सिग्नल्स भी मिल रहे हैं। और जैसे आप गाड़ी को लॉक करोगे फोल्ड हो जाते हैं, अनलॉक करोगे अनफोल्ड हो जाएंगे। इसके नीचे एक कैमरा मिला है जो कि हेल्प करेगा 360 कैमरास के अंदर। और यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्टर भी मिल रहा है छोटा सा, जो कि आपके वैगनियर को ग्राउंड पर प्रोजेक्ट करेगा रात के टाइम पे, बहुत ही कमाल लगता है देखने में। और साइड प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ तो ड्यूअल टोन जो है उसकी वजह से बहुत ही बढ़िया लग रही है। और यहाँ पे भी अगर आप देखो, क्योंकि ऑब्सीडियन पैकेज है तो ग्रैंड वैगनियर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और जो यहाँ पे अमेरिका का फ्लैग है ये भी इन्होंने ब्लैक में ही रखा हुआ है। बहुत ही नाइस टच है, गिनते रहना कि ग्रैंड वैगनियर कितनी जगह पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे आपको ग्रैंड वैगनियर लिखा हुआ दिख जाएगा। और एक बार इस एंगल से आप देखो कितनी बड़ी गाड़ी है ये। और बैक की अगर बात करें तो बहुत ही प्यारी टेल लाइट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, LED टेल लाइट्स है। और सिक्वेंशियल यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल्स देखने को मिलते हैं जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे ग्रैंड वैगनियर की ब्रांडिंग एक बार फिर से, और वो भी ब्लैक के अंदर ही। और बैक में भी आपको वाइपर्स मिल रहे हैं, फ्लूइड भी यहाँ पे मिल रहा है आपके कैमरा को क्लीन करने के लिए, और एक फ्लूइड ऊपर है आपकी बैक ग्लास को क्लीन करने के लिए अगर मिट्टी वगैरह आ जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे वॉशर्स आपको मिल जाएंगे फ्रंट में, बैक में, कैमरा को वॉश करने के लिए, आपके मिरर्स को वॉश करने के लिए। और ये टेल लाइट्स आपको कैसी लग रही है? मुझे ऑनेस्टली ये वाला जो टेल लाइट्स हैं बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और टेल लाइट्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा जीप, क्योंकि आखिर है तो ये जीप की ही गाड़ी। और अगर आपको बूट ओपन करना है, आपके दोनों हाथों में सामान है, आपने बैग्स पकड़े हुए हैं, आप क्या करोगे, कैसे खोलोगे? यहाँ पे बटन मिलता है वो रहता ही है, आपको उसके अलावा चाबी में भी मिल जाता है। बट अगर आपके हाथ ही ऑक्यूपाइड है तो आप क्या करोगे? आपको बस यहाँ आना है, पैर को ऐसे करना है, एंड दैट्स इट, बूट हो जाएगा ओपन। तो ये बाकी कार्स में भी मिलता है बट एक काफी अच्छी चीज रहती है, बूट को बंद करना है, ये है बटन। और यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी एग्जॉस्ट नहीं है, एग्जॉस्ट टिप्स जो हैं वो बॉटम में हैं, तो इन्होंने एकदम प्लश डिजाइन रखने की ट्राई की, क्योंकि एक लग्जरी कार है, एक स्पोर्ट्स कार नहीं है जो यहाँ पे चार चार एग्जॉस्ट टिप्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर देखनी है तो बॉटम में है, और बॉटम में है आपका स्पेयर व्हील, बैक में है, तो बूट को भी ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको की दिखा देता हूँ उससे पहले, तो ये है अपनी ग्रैंड वैगनियर की की, यहाँ पे भी ग्रैंड वैगनियर लिखा हुआ है, जीप कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा आपको। अनलॉक लॉक, इसको 2 बार दबाओगे तो गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, रिमोट स्टार्ट आपको मिलता है। इस बटन को दबाते हो गाड़ी जो है वो लोअर आप कर सकते हो ताकि आपको अंदर जाने में आसानी रहे। और ये जो बटन है अगर इसको 2 बार टैप करते हो बूट हो जाएगा ओपन। और अगर आप एक बड़े पार्किंग स्पेस में गाड़ी नहीं मिल रहा तो ये बटन है पैनिक बटन, इसको दबाओ, आपकी गाड़ी हॉर्न बजाएगी, आपको पता चल जाएगा गाड़ी है कहाँ पे। और अब बूट कर लेते हैं ओपन। अब यहाँ पे क्योंकि ये रेगुलर गाड़ी से 1 फुट लंबी है, टोटल इसकी जो लंबाई है वो है 226.7 इंचेस, तो बहुत ही लंबी गाड़ी है। और वो जो 1 फुट एक्सटेंडेड आपको मिलता है उसका सबसे बड़ा फायदा आपको बूट में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देख सकते हो कितनी सारी स्पेस है। सबसे पहले अगर इस साइड आ जाए
तो यहाँ पे बहुत सारी हुक्स हैं सामान वगैरह टांगने के लिए, स्पीकर्स हैं, अगर यहाँ पे आप कुछ टाई करना चाहते हो, कोई चीजों को बांधना चाहते हो, इस बटन से जो बूट है वो बंद हो जाएगा। लाइट्स यहाँ पे भी बूट के अंदर आपको मिल रहा है ताकि रात को भी कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे भी हुक आपको मिल रही है सामान टांगने के लिए। 12 वॉट का आउटलेट आपको मिल रहा है, और वही जैसे अगर कोई चीज़ टाई करना चाहो, और अगर आपको थोड़ी सी और जगह भी चाहिए तो ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिलती है। उसके अलावा ये आपकी बूट स्पेस है, काफ़ी बड़ी बूट स्पेस है, और यहाँ पे आपको चार बटन मिलते हैं जहाँ से आप थर्ड रो को फोल्ड कर सकते हो, थर्ड राइट, थर्ड लेफ्ट। तो अगर एक बार कर दें, बटन दबाते हैं, इन्हीं बटन से फोल्ड, इन्हीं बटन से अनफोल्ड ये हो जाएगी। और अगर ये जगह भी आपको कम लग रही है तो सेकेंड रो को भी आप यहीं से फोल्ड कर सकते हो, तो सेकंड रो भी फोल्ड हो गई है। तो अब इतनी अच्छी खासी जगह मिल रही है। अब यहाँ पे एक ही चीज बीच में रह जाती है, वो है सेंटर आर्मरेस्ट। इसको आप मूव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे टीवी वगैरह भी है, बट इतनी जगह है आपके पास। अगर आप सारी सीटों को कर देते हो फोल्ड तो बहुत बड़ी जगह है, आराम से क्रॉस कंट्री कर सकते हो। अनफोल्ड भी करना है तो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी, बट सिर्फ थर्ड रो, सेकंड रो जो है वो आपको मैन्युअली ही करनी पड़ेगी। और अब बूट के बाद चलते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर है मेरा फेवरेट पार्ट, और जैसी गाड़ी के पास आते हो इससे ज्यादा क्या चाहिए, रनिंग बोर्ड्स अपने आप डिप्लॉय हो जाते हैं। और अंदर जाने से पहले मेरे इस मिरर पे नजर पड़ गई, बहुत ही बढ़िया मिरर। यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट वगैरह भी दिखते रहते हैं। हीटेड आपका ये मिरर है, तो अगर आप बर्फ वाली जगह पे रहते हो, हीटेड आपको आपके मिरर्स मिल रहे हैं दोनों ही साइड के, बहुत ही बढ़िया चीज। और अब करते हैं ओपन, और मेरा फेवरेट पार्ट ये रनिंग बोर्ड्स। पैर रखो, चढ़ जाओ अंदर, और ये देखो, ये है मेरा फेवरेट पार्ट, मतलब लग्जरी की कोई कमी ही नहीं है। ये जो सीट्स हैं इनको देखकर ही दिल खुश हो जाता है, आप देखकर ही फील कर पा रहे हो कितनी मस्त सीट्स यहाँ पे मिल रही हैं। वेंटिलेशन आपको तगड़ी मिल रही है, और ये सीरीज 3 मॉडल है, टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम है, तो सीरीज 3 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और सीट में भी आपको ग्रैंड वैगनियर लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे भी वैगनियर की ब्रांडिंग है। स्टेयरिंग व्हील पे भी ग्रैंड वैगनियर, तो वैगनियर की तगड़ी ब्रांडिंग यहाँ पे मिल रही है। सीट की बात करें तो सीट तो एडजस्टेबल है ही है, हेडरेस्ट जो है इसको भी आप चार तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे। ये बहुत ही रेयर मैंने देखा है, बट यहाँ पे मिल रहा है, और एडजस्टेबल ये हेडरेस्ट है, कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। क्विल्टेड लेदर की सीट है ये, बहुत ही कमाल की देखने में लगती है। मेरे पास ब्राउन कलर, बट इसके अलावा दो कलर ऑप्शंस और मिल जाते हैं सीट के लिए, और कुछ इस तरीके का लुक आपको मिलेगा जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होगे। आपको यहाँ पे हेड्सअप डिस्प्ले भी मिल जाता है जो कि बिल्कुल सामने दिखेगा, बट ये सारी चीजों से पहले आपको डोर कंट्रोल्स में दिखा देता हूँ। सॉफ्ट टच लेदर आपको मिल रहा है, बहुत ही प्यारा सा ट्रिम, ऊपर भी आपको सॉफ्ट टच वाले मटेरियल्स मिल रहे हैं, देखने में बहुत ही कमाल लगता है। बहुत ही बड़ी स्टोरेज यहाँ पे आपका सामान वगैरह रखने के लिए, अल्यूमिनियम का यूज यहाँ पे भी। और इस गाड़ी के अंदर आपको मैकिंटोश का 24 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 1350 वॉट का साउंड, बहुत ही क्रेजी यहाँ पे म्यूजिक एक्सपीरियंस है, वो उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। बट पहले कंट्रोल्स की बात करूं, लॉक अनलॉक ये आपके विंडो कंट्रोल्स है, यहाँ से आप जो अपना मिरर है इसको एडजस्ट कर सकते हो, और अगर आप इसको कुछ इस तरीके से करते हो तो यहीं से आपका जो मिरर है वो फोल्ड हो जाएगा, फिर से अगर मैं इसको करता हूं तो यहीं से अनफोल्ड भी हो जाएगा, तो बढ़िया चीज। और अब अगर कंट्रोल्स की बात करें, यहाँ पे बहुत तरीके के कंट्रोल्स मिलते हैं। तो ये जो बटन है इससे सीट आगे पीछे होती है, अगर एक बार मैं करके दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरीके से। और अगर आपको थाई सपोर्ट ज्यादा चाहिए तो ये जो चीज है ये भी एक्सटेंड होती है, मैंने आज तक नहीं देखी, वो भी इस बटन से। तो अगर आप टॉल हो, आपकी लेग ज्यादा लंबी है, तो आपके लिए बहुत ही तगड़ा थाई सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ये बहुत ही रेयर होता है। इसके अलावा ये जो बटन है ये है हेडरेस्ट के लिए, अगर मैं इसको दबाता हूँ तो यहाँ से हेडरेस्ट जो है वो आगे पीछे ऊपर नीचे सब एडजस्ट आप कर सकते हो। और ये जो बटन है इससे आप सीट को रिक्लाइन आगे या पीछे की तरफ कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और ये जो बटन है ये है आपका लंबर के लिए, इससे ये वाली जो चीज़ है इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो दो बटन है ये आपकी मेमोरी सीटिंग के लिए, अगर आप प्रोफाइल्स लोड करना चाहते हो डिफरेंट ड्राइवर की। और इस बटन से मसाज जो है वो स्टार्ट हो जाती है, उसके लिए एक अलग से स्क्रीन भी है। तो ये है सारे के सारे कंट्रोल जो आपको डोर के ऊपर मिलते हैं। इस साइड अगर मैं आ जाऊं, ये है आपका पार्क ब्रेक, ये है आपकी हेडलाइट्स के लिए, इधर से आप जो ब्राइटनेस है इंटीरियर की और एम्बिएंट लाइट की वो एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो बटन है ये मैंने पहली बार देखा, अगर आप शॉर्ट ड्राइवर हो, जो पैडल्स हैं आप उनको भी मूव कर सकते हो। तो अगर आप इसको ऐसे करते हो तो यहाँ से जो पैडल्स हैं वो आपके लिए आगे या पीछे जा सकते हैं। तो अगर आपकी हाइट बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, आप अपने हिसाब से पैडल्स को एडजस्ट कर सकते हो। ये मैंने इससे पहले टू बी ऑनेस्ट किसी भी गाड़ी में नहीं देखा, आता होगा मैं मानता हूँ, बट मैंने नहीं देखा, मेरे लिए फर्स्ट है। और यहाँ पे पावर स्टीयरिंग व्हील है, तो अगर मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ यहीं से पावर की मदद से, मैं कर सकता हूँ आगे पीछे ऊपर नीचे, सारी चीजें यहीं से हो जाती हैं, ये बटन आपको मिलता है, तो बढ़िया चीज है। यहाँ पे एक कमी जो मुझे लगती है वो है ये स्टॉक्स, ये इतने पुराने क्यों दे दिए, जैसे एक बहुत ही पुरानी गाड़ी को इसको भी थोड़ा सा लग्जूरियस फील देनी चाहिए थी। ये जो दो चीजें हैं इसके अलावा सारी चीजें बहुत ही लग्जूरियस हैं। अब आ जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पे, टू स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील है, और आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया देखने में लगता है, काफी सारे बटन यहाँ पे मिल रहे हैं, ग्रैंड वैगनियर की ब्रांडिंग, यहाँ भी अल्यूमिनियम का एक पीस यहाँ पे दिया हुआ है, क्यों मुझे नहीं पता। अब ये जो स्क्रीन है अपनी फ्रंट वाली, यहाँ पे बहुत
बहुत सारे फीचर्स हैं, सब तो नहीं दिखा पाऊंगा, एक एक चीज दिखाने लग गया तो बहुत टाइम लगेगा। ड्राइवर इन्फो, व्हीकल इन्फो, ट्रिप इन्फो, नेविगेशन, ऑफ रोड, ट्रेलर टो, हर चीज के कंट्रोल्स आपके लिए यहीं पे हैं। इतना अभी नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ मैंने अप डाउन किया डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज में जाने के लिए। इनके सब मेन्यू भी हैं, जैसे ड्राइवर इन्फो के अंदर अगर मैं जाना चाहता हूं तो ये है नाइट विजन, जो कि बहुत ही कमाल का काम है पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन के साथ। तो अगर आप अंधेरे वाली जगह में हो, ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, नाइट विजन आपको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। व्हीकल इन्फो है, इसके अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे भी काफी सारे कंट्रोल्स आप देख पाओगे। फिर ट्रिप में आ जाते हैं, फिर उसके अलावा ऑफ रोड में आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू है आपका, पिच एंड रोल, व्हीकल डायनेमिक्स, ट्रेलर टो कर रहे हो, गाने वगैरह हैं, हर चीज के लिए आपके पास यहाँ पे सेटिंग्स हैं आपकी फ्रंट स्क्रीन के अंदर ही। बहुत ही कमाल मुझे ये चीज लगी। और इसके अलावा यहाँ पे तीन बटन है कॉल, पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, आपको दिख रहे हैं। और ये जो बटन है, अगर मैं इसको टैप करता हूँ तो अब आप देखो यहाँ से अब आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी चीज को मिडिल में रखना है, कौन सी चीज को कैसे सिलेक्ट करना है। आपके पास पूरा का पूरा कंट्रोल है आपकी गाड़ी का, आप फ्रंट स्क्रीन में सारी चीजों को एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया। तो लेफ्ट साइड वाले मैंने सारे बटन आपको दिखा दिए, राइट साइड की बात करें तो राइट में जो आपके बटन है, ये पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है। पहले तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसके अलावा सारी चीजें ठीक है, बट पियानो ब्लैक पे एक तो फिंगर्स बहुत दिखते हैं और ये गंदा बहुत ज्यादा दिखता है। कंट्रोल्स की बात करूं तो यहाँ पे सारे आपके एक्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन सेंटरिंग वगैरह जो है यहीं पे मिलेगा। और बॉटम में ये जो सेक्शन है, ये है आपका इंजन ब्रेकिंग के लिए, अगर आप पहाड़ से नीचे आ रहे हो, टो कर रहे हो किसी चीज को, तो वहां पे आपकी हेल्प हो जाएगी। स्टीयरिंग व्हील के बैक में भी कुछ बटन्स हैं। अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ से आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो, आपका हाथ जैसे यहाँ पे रहता है, पैडल शिफ्ट नहीं है, ये जो बटन है यहाँ से वॉल्यूम जो है उसको कम ज्यादा कर सकते हो। लेफ्ट साइड की बात करूं तो यहाँ से आप नेक्स्ट एंड प्रीवियस ट्रैक पे जा सकते हो। मिडल वाला जो बटन है, यहाँ से आप जो आपका फेवरेट है उसको सेट कर सकते हो रेडियो वगैरह के लिए। और यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल कितने है उसकी अगर बात कर ले तो ये जो अपना स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये भी कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग के साथ आता है, लेदर रैप्ड है, और ऐसा मैंने पहली बार देखा है यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन के लिए इतना अच्छा सा सेक्शन इन्होंने बनाया हुआ है के अंदर, बहुत ही बढ़िया ये लग रहा है। लग्जरी की बात हो ही रही है तो यहाँ पे जो आपके हैंडल्स भी रहते हैं ये भी लेदर रैप्ड हैं। और इसके अलावा लग्जरी की बात हो ही रही है तो हेडलाइनर, पिलर, सारी चीजें स्वेड के अंदर रैप्ड हैं। सन वाइजर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे भी आपको स्वेड मिल रहा है, कहीं भी आप गाड़ी के अंदर देखोगे पूरी गाड़ी में आपको स्वेड ही स्वेड देखने को मिलेगा। हर जगह पे आपको लेदर मिल रहा है, कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग मिल रही है, स्वेड मिल रहा है। और यहाँ पे इन टोटल इस गाड़ी के अंदर हमें 10 स्क्रीन मिल जाती है जिनका टोटल साइज है 75 इंचेस। क्रेजी है ना गाड़ी के लिए। अब अगर फ्रंट स्क्रीन की बात करें, ये है अपनी मेन इंफोटेनमेंट स्क्रीन। यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड पे स्क्रीन के आपको कैपेसिटिव टच बटन मिल रहे हैं जिनपे अगर आप टैप करते हो तो यहाँ से आप अपनी सीट की हीटिंग चला सकते हो, कूलिंग चला सकते हो, यहाँ से जोन सेट कर सकते हो। और हीटेड स्टीयरिंग व्हील है तो यहाँ से आप कितने इंटेंसिटी रखना चाहते हो हीटिंग की स्टीयरिंग व्हील के लिए उसको कंट्रोल कर सकते हो। और ये ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग है। और ये जो स्क्रीन है इसके दोनों साइड पे आपको दो नॉब्स दिख रही हैं, यहाँ से आप वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ से आप ट्यून कर सकते हो रेडियो के लिए। और कुछ बेसिक से कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, बढ़िया ये स्क्रीन है। बॉटम की बात करूं तो बॉटम में आपके फेवरेट्स हैं, होम है, मीडिया है, यहाँ से आपके गाने वगैरह आ जाएंगे। कंफर्ट के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ से आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो, सीट्स को एडजस्ट करना चाहो वो आप कर सकते हो, मसाज है आपके लिए। नेविगेशन के अंदर जाते हैं तो नेविगेशन का तो पता ही है, मैप है, कोई भी नेविगेशन लगाना चाहो ऑनलाइन ऑफलाइन आपके लिए काम करेगा। कल परसों मैं पहाड़ों में फंस गया था तो इसी की मदद से मैं निकला। उसके बाद है फोन, यहाँ पे आपके कनेक्टेड डिवाइस आ जाएंगे, वायरलेस कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो दोनों इसके अंदर आपको मिल रहे हैं। व्हीकल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स है, ऑफ रोड है, कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स के अंदर मिरर डिम कर सकते हो, सेकंड रो हेडरेस्ट को फोल्ड करना चाहते हो, थर्ड रो के हेडरेस्ट को फोल्ड करना चाहते हो यहीं से कर सकते हो ताकि आपको पीछे आसानी से दिखता रहे, विजिबिलिटी अच्छी रहे अगर आप करना चाहो, वैसे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। पावर साइड स्टेप है, उनको कंट्रोल कर सकते हो। सराउंड कैमरास आपको दिखा देता हूँ इस गाड़ी के, तो कुछ इस तरीके का सराउंड व्यू आपको दिखता है। जैसे ये टॉप व्यू है तो 360 यहाँ पे मिलता है, तो जब आप टाइट स्पेसेस में लगा रहे हो तो वहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प आपकी होती है और डिफरेंट डिफरेंट व्यूज को आप सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप टो कर रहे हो तो यहाँ से आप अपने ट्रेलर को भी देख सकते हो। बढ़िया चीज मुझे लगी इस गाड़ी की, बहुत सारे कैमरास मिलते हैं। और ये है मेरा फेवरेट फीचर फैम कैम, इसको दबा देते हैं तो यहीं से आपकी जो बैक सीट्स हैं आप उनको देख सकते हो। उस जगह पे आपको एक कैमरा मिलता है जहां से आप ये सारी सीट्स को देख सकते हो, तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करोगे, बच्चे शैतानी कर रहा है, यहीं से आप देख सकते हो। जिस भी सीट पे आप टैप करोगे वो इस साइड पे आपको दिखेगी, तो अगर बैक सीट देखना चाहते हो यहीं से आप सारी चीजें देख सकते हो। बहुत ही कमाल का फैम कैम वाला फीचर मुझे लग रहा है। और बहुत सारी सेटिंग्स हैं यार, इनके अंदर जाऊंगा तो पता नहीं कितनी देरी लग जाएगी। फिर कुछ एप्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक रिलैक्स वाला फीचर है जो कि जब आपकी गाड़ी पार्क्ड है तब आप देख सकते हो, जहाँ पे आपके सारी स्क्रीन्स पे एक बहुत ही प्यारा सा एनिमेशन चलने लग जाएगा, म्यूजिक चलता है, बहुत ही बढ़िया डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे और इनके अंदर एप्स के अंदर आपके लिए काफी सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो। फायर टीवी जो अमेजोन का है वो इनबिल्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है, काफी सारी सेटिंग जैसे मैं कह रहा था। एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पे आपको मिलती है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। एक एक चीज दिखाऊंगा तो बहुत लंबी
लंबी वीडियो होगी, उतने लंबे में नहीं जाना चाहता हूँ। और अगर आपको एसी कंट्रोल करना है तो आप यहाँ पे टैप कर सकते हो, यहाँ से भी एसी कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपको टच स्क्रीन में नहीं जाना है तो फिजिकल बटन आपको यहाँ पे सारे के सारे मिल रहे हैं, यहाँ से एसी अप डाउन डिफ्रॉस्टर जो भी चलाना चाहो सब यहीं पे फिजिकल बटन है आपके पास। तो ये मुझे हमेशा हर गाड़ी में अच्छा लगता है जहाँ पे लोग टच स्क्रीन भी दे देते हैं, मॉडर्न और ओल्ड स्कूल दोनों का मिक्सचर रखते हैं। तो जीप ये हमेशा ख्याल रखती है कि ये दोनों चीजें मिले और वही इस कार में हो रहा। और अगर आपको शॉर्टकट चाहिए नीचे को स्वाइप कर दो, यहीं से आपके सारे शॉर्टकट आ जाएंगे। वाईफाई हॉटस्पॉट चाहिए, रैम कैम ऑन करना है, एलेक्सा चलानी है, 360 कैमरा चाहिए, सारी चीजें यहीं पे हैं आपके पास। खैर ये हो गई अपनी फ्रंट स्क्रीन। इसके अलावा बॉटम में एक और स्क्रीन मिले जो कि है 10.1 इंचेस की। यहां से आप फ्रंट के एसी कंट्रोल जो हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो, हवा कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। सीट्स हैं, यहाँ से आप जो ये बोल्स्टर्स हैं इनको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल मिलेगा आपकी सीट का, ये जो साइड बोल्स्टर्स रहते हैं इनको कंट्रोल कर सकते हो, बैक बोल्स्टर्स, थाई बोल्स्टर्स, सारी चीजों को यहीं से कंट्रोल कर सकते हो ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों के लिए। फिर मसाज है आपकी, और 5 डिफरेंट टाइप की मसाज यहाँ पे आपको मिल जाती है। रियर के लिए क्लाइमेट ऑन ऑफ करना चाहते हो आप यहीं से कर सकते हो, और स्क्रीन को ऑफ करना चाहो यहीं पे टैप करते हैं यहीं से आ जाएगी वापस स्क्रीन। और सबसे बढ़िया चीज जो आपने नहीं देखी होगी, इस बटन को दबाओ, वाला आपकी स्क्रीन हो गई है फोल्ड। अब यहां पे आप एक बार पोर्ट्स देखो कितने सारे पोर्ट्स हैं, 3 USB-C हैं, 3 USB-A पोर्ट्स हैं, HDMI पोर्ट है यहां पे, और 12 वॉट वाला आउटलेट भी है, और ये है आपका वायरलेस चार्जर। तो अगर आप समान हाइट करना चाहते हो लोगों की निगाह से तो यहां कर सकते हो, इस बटन को दबाओ स्क्रीन आ जाएगी, किसी को पता भी नहीं होगा। और इस गाड़ी के अंदर आपको 20 USB पोर्ट्स मिलते हैं इंक्लूडिंग ANC और 3 HDMI पोर्ट्स। और बॉटम में आपको टच सेंसिटिव कंट्रोल्स मिल रहे हैं जहां से इंजन ऑन ऑफ वाला फीचर कर सकते हो, जब आप ट्रैफिक में हो तो इंजन अपने आप बंद हो जाए, जब आप रेड लाइट्स पे हो जैसे एक्सेलरेट करो ऑन हो जाए। ऑटो होल्ड है कि अगर आपने एक बार बटन दबा दिया तो गाड़ी रुकी रहे, आपको ब्रेक पे पैर रखने की जरूरत नहीं है ट्रैफिक लाइट्स के टाइम पे। लेन सेंटरिंग है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, और ये जो बटन है इसको अगर आप दबाते तो गाड़ी अपने आप आपके लिए पार्क हो जाएगी, ये आप देख सकते हो। इससे एग्जिट कर लेते हैं तो बढ़िया रहता है ये। तो एक्टिव पार्क भी आपको मिलता है, काफी सारे बटन है, ये है आपका टो के लिए बटन को अगर हम दबाते हैं तो ये वाली जो अपनी पैसेंजर स्क्रीन है ये भी ऑन होती है, इसके ऊपर चलते हैं। और उसके बाद अगर इस साइड आ जाए, ये है आपका ड्राइव सेलेक्ट, ब्रेक पे पैर रखो, इसको घुमाओ यहीं से रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव पे आप जा सकते हो। ये जो है यहाँ से मोड्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऑटो, स्नो, मड, रॉक, यहाँ से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो। और दूसरा जो नॉब है यहाँ से आप रेज या लोअर कर सकते हो अपनी गाड़ी को। यहाँ पे आपको एयर सस्पेंशन मिलता है, अभी आप वीडियो देख रहे हो, मैंने थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस आपका रहेगा अगर आप गाड़ी को ऊपर या नीचे करना चाहते हो। फिर फोर व्हील ड्राइव लो, और ये है आपका जब आप नीचे आ रहे हो, ये बेसिकली पहाड़ों के लिए जब आप हिल से नीचे आ रहे हो, पहाड़ों वाला क्रूज कंट्रोल है आपके लिए। और अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये है आपके कप होल्डर्स, और यहाँ पे आपका फोन चले जाएगा, और इजीली मेरा 15 प्रो मैक्स भी यहाँ पे फिट हो जाता है। यहाँ पे आप की को रख सकते हो, रबर वाले कप होल्डर्स हैं तो आपका सामान एकदम अच्छे से फंसा रहता है, भागता नहीं है कहीं भी। जब आप यूज नहीं कर रहे हो तो इसको आप कर सकते हो बंद, देखने में अच्छा लगता है। और अगर इस साइड आ जाए, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल आर्म रेस्ट मिलती है पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए, कुछ स्पेस यहाँ पे आपको मिले, और यहाँ पे भी 2 USB पोर्ट है, USB-A, USB-C, इसको कर दो बंद। और अब आएगा सबसे बड़ा सरप्राइज, यहाँ पे है आपका फ्रीजर, अगर ड्रिंक्स वगैरह रख के क्रॉस कंट्री कर रहे हो कहीं भी जा रहे हो यहीं पे आपको फ्रिज मिल रही है इस गाड़ी के अंदर, बहुत ही बढ़िया। और अब चलते हैं पैसेंजर साइड। सबसे पहले तो पैसेंजर साइड की अगर बात करें, यहाँ पे भी सेम कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, पावर कंट्रोल्स हैं सारे। ग्रैंड वैगनियर की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल रही है, देखने में काफी अच्छी लगती है जो लिखी हुई है इन्होंने। और यहाँ पे ये जो स्क्रीन है इसको ऑन करने के लिए जो बटन है इसको दबा दो, स्क्रीन हो जाएगी ऑन। 10.1 इंचेस की ये स्क्रीन है, तो यहाँ पे आपको काफी सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, फायर टीवी इनबिल्ट मिल रहा है, यहाँ पे ब्लूटूथ हेडफोन को आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो स्क्रीन है इसको ड्राइवर नहीं देख सकता है प्राइवेसी रीजन के लिए, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेंट इन्होंने किया हुआ है, प्राइवेसी यहाँ पे ग्लास लगाया हुआ है ताकि किसी और को ना दिखे आपको ही दिखे, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे आप नेविगेशन भी सेट कर सकते हो, और इसको आप ड्राइवर की स्क्रीन पे भी भेज सकते हो, जो मेन स्क्रीन है यहीं से आप नेविगेशन लगाकर इसको यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो, आपके ऊपर है। उसके अलावा यहाँ पे आप टीवी वगैरह देख सकते हो, नेटफ्लिक्स से लेकर सारी चीजें यहीं पे आपको मिल रही हैं। उसके अलावा यहीं पे आप सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, कैमरास देखना चाहते हो फैम कैम वाले तो यहाँ से आप फैम कैम जो है इसको भी एक्सेस कर सकते हो, जो भी आप देखना चाहो, रियर व्यू देखना चाहो वो भी आप देख सकते हो। और अगर आपको सराउंड व्यू चाहिए तो सराउंड व्यू भी यहीं से आप सारी चीजें चेक कर सकते हो, जब आप गाड़ी चल रही है आपका ड्राइवर चला रहा है आप एक साइड पे बैठे हो तो यहीं से आप सारे कैमरास को एक्सेस कर सकते हो, जैसे अभी आप देख रहे हो। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल रहे हैं आपके वायरलेस हेडफोन्स को कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। एसी वगैरह एडजस्ट करना चाहते हो यहीं से आप कर सकते हो, ऑफ करना इस बटन को भी दबा सकते हो, और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा है स्क्रीन ऑफ करने का। तो ये रहेगी आपकी पैसेंजर स्क्रीन, बहुत ही बढ़िया। और पैसेंजर साइड पे भी ग्रैंड वैगनियर, इधर भी डोर सेल पे भी, डोर के ऊपर भी ग्रैंड वैगनियर विद अमेरिकन फ्लैग, और एक स्क्रीन है ये जो कि है अपना डिजिटल मिरर। अगर आप इस तरीके से यूज करते हैं तो ये है आपका रेगुलर मिरर,
ऐसे दबाते हैं तो ये है डिजिटल मिरर, जो कि कैमरा आपको मिल जाता है। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, ब्राइटनेस एडजस्ट करना चाहो ब्राइटनेस कर सकते हो, और अगर आप इसको ऊपर नीचे करना चाहो वो भी आप कर सकते हो बेटर विजिबिलिटी के लिए। और अगर आप फैम कैम वगैरह ये सब नहीं यूज़ करना चाहते तो बेसिक ओल्ड स्कूल इस बटन को दबाओ, यहाँ पे आपको ये मिरर मिल जाएगा ओल्ड स्कूल वैंस के जैसा। यहीं से आप जो तीन रो हैं उनको देख सकते हो, और सनग्लासेस रखना चाहो यहीं पे सनग्लासेस रख सकते हो, है ना बढ़िया। और ये है आपके गराज कंट्रोल्स आपके सनवाइजर के ऊपर, और ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे तीन बटन जो आपको मिल रहे हैं ये है आपकी पैनारामिक सनरूफ के लिए। पीछे आपको मूनरूफ मिलता है वो ओपन नहीं होती है, बट ये वाली जो है ये ओपन हो जाती है। तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं वो दिखा देता हूँ। तो पहला जो बटन है अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो अपना जो कवर है वो हाफ तक ही जाएगा, और उसके बाद अपना जो सनरूफ है वो ओपन हो जाएगा। और अगर आप सनरूफ को टिल्ट करना चाहते हो तो उसके लिए बटन है, और अगर आप पूरे कवर को ओपन करना चाहते हो बट ग्लास को ओपन नहीं करना चाहते हो तो आप ये वाला बटन दबा सकते हो, और अब जो कवर है वो पूरा ओपन हो जाएगा और ग्लास ओपन नहीं होगा, जो सनरूफ है वो बंद ही रहेगी। तो बढ़िया व्यू, तो जो लोगों को घुटन होती है उनके लिए बढ़िया, एसओएस वगैरह। बाकी तो यहाँ पे लाइट्स ही हैं और कुछ नहीं, बूट ओपन करना चाहते हो वो कर सकते हो। और ये है फ्रंट सेक्शन, अब चलते हैं बैक रो में। अब सेकेंड रो की बात करूँ तो सेकेंड रो में आपको मैनुअल सनशेड्स मिल जाती हैं। पावर नहीं है, क्यों मुझे नहीं पता, बट अगर आप बैक सीट में हो तो बढ़िया कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ पे भी सेम मटेरियल सारा यूज़ हो रहा है, अलूमिनियम का आपका डोर हैंडल। यहाँ पे पावर कंट्रोल्स नहीं है, क्यों मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैनुअल ही है। ये लेवर को उठाओ ओल्ड स्कूल, मज़ा नहीं आया। पावर होता तो मज़ा आता। बैक रो में आते हैं और सबसे यूनिक चीज़ें दिखाता हूँ। इस गाड़ी के अंदर आपको $2600 का एक्स्ट्रा पैकेज मिला है, जहाँ पे आपको ये दो स्क्रीन मिलती है 10.1 इंचेस की, जहाँ पे फायर टीवी जो है वो लोडेड है। बहुत ही बढ़िया रिमोट कंट्रोल्स मिल रहे हैं दोनों स्क्रीन्स को ऑपरेट करने के लिए। तो यहीं पे आप नेटफ्लिक्स यूट्यूब जो भी देखना चाहो वो देख सकते हो। और सबसे बढ़िया फीचर, अगर आपने नेविगेशन लगाई हुई है तो यहीं पे एक फीचर है आर वी देयर येट। तो अगर किसी ने नेविगेशन लगाई हो और आपको वाली स्क्रीन नहीं देखनी, आप यहीं पे देख सकते हो कि आप वहां पहुंच गए हो या फिर नहीं। बहुत ही यूनिक फीचर मुझे इस गाड़ी का ये वाला लगा। एसी है बैक का, उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, फैन की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो, सारी चीजें इस स्क्रीन से ही एडजस्ट कर सकते हो, हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकते हो, HDMI पोर्ट है, USB-C पोर्ट यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। और अगर आपको ये वाली स्क्रीन्स नहीं चलानी है, आपको ये जो रिमोट है नहीं चलाना है, AC कंट्रोल करना है, तो आपको मिडल में भी एक स्क्रीन मिल रही है 10.1 इंच की ही। यहाँ से आप जो AC के कंट्रोल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हो, हवा कहाँ से चाहिए, हीटिंग ऑन करनी है, कूलिंग ऑन करनी है, सब यहीं से होगी। टेम्परेचर कम ज्यादा करना है वो भी सब यहीं से रहेगा। अभी के लिए इसको कर देते हैं ऑफ, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे भी फ्रंट की तरह इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मिल रही हैं, एक थोड़ी सी जगह, और यहाँ पे दो एक्स्ट्रा आपको USB पोर्ट्स मिल रहे हैं। बट यहाँ पे रेफ्रिजरेटर नहीं है, उसकी जगह पे है बहुत ही बड़ी स्टोरेज। और जो कैमरा की बात कर रहा था, ये है वो कैमरा। और ये जो आप सेंसर्स देख रहे हो सब जगह पे, यहाँ पे 24 स्पीकर्स मिलते हैं, मैकिंटोश का 24 स्पीकर वाला सिस्टम है। म्यूजिक क्वालिटी बहुत ही तगड़ी है, बहुत सारे स्पीकर्स हैं। ये लाइट्स हैं आपकी, और यहाँ पे हैंडल्स देखोगे लेदर में जैसे मैं पहले दिखा रहा था। और यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन गाड़ी के अंदर ही मिलती है ताकि गाड़ी के अंदर शांति बनी रहे। 24 स्पीकर्स हैं, म्यूजिक क्वालिटी बहुत ही तगड़ी मिल जाती है। और बैक में भी सीट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, हीटिंग वेंटिलेशन सब मिलती है, बट मसाज नहीं मिलती है। मसाज तो मजा आ जाता, और पावर कंट्रोल्स मिल जाते, बट वो नहीं है। जो है वो है ये AC वेंट्स, जो कि आपकी बॉडी के ऊपर सीधा शूट करते हैं। तो बढ़िया चीज है कि आपको गर्मी नहीं लगेगी इस गाड़ी के अंदर। और अब चलते हैं सबसे बढ़िया जगह पे, जो कि है थर्ड रो। थर्ड रो में जाने के लिए इस बटन को दबाओ, सीट्स अपने आप आगे आ जाती हैं, और उसके बाद आप बैठ जाओ इधर। थर्ड रो में यहां पे इतनी जगह है जितनी सेकंड रो में नहीं होती है। मैं 5'7" का हूं, जगह देखो, मैंने जो यहाँ पे सीटिंग की है वो आगे 6 के लिए है, ये भी 6 फीट के लिए, और उसके बाद जगह देखो आराम से 6-6 फुट के बंदे हों, 6'4" 6'5" के भी हों, इस गाड़ी की किसी भी रूम में फिट आ जाएंगे। और यहाँ पे कप होल्डर्स मिल रहे हैं बैक में, रिक्लाइन कर सकते हो वो भी बटन से, है ना बढ़िया चीज़। और USB-C पोर्ट यहाँ पे भी, USB-C, USB-A, AC वेंट्स, बहुत ही बढ़िया। कप होल्डर्स वहाँ पे भी, रिक्लाइनर आपको मिल ही रहा है, और अगर आपको हुक्स चाहिए सामान वगैरह टांगने के लिए तो आपको हुक्स भी यहाँ पे मिल रही हैं बैक में। और यहाँ पे आपको एक मैनुअल मून रूफ मिल रही है, तो अगर आपको घुटन हो रही है पीछे तो ये आपके लिए है मून रूफ। ये ओपन नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली, और अगर आपको बाहर निकलना है तो इस बटन को दबाओ एंड दैट्स इट, और अपने लेदर वाले डोर हैंडल को पकड़ो, आ जाओ बाहर, और इसको मैनुअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको दो बटन्स भी मिलते हैं जो कि सीट्स को फोल्ड करने के काम आते हैं थर्ड रो के लिए। अगर आप थर्ड रो को यहीं से फोल्ड अनफोल्ड करना चाहते हो तो इसी बटन से हो जाएगी। दोनों बटन हैं, पूरी रो को भी कर सकते हो या इंडिविजुअल सीट को। इसको रेस करना है फिर से, तो
तो दैट्स इट। अब एक्सटीरियर देख लिया, इंटीरियर देख लिया, अब आ जाते हैं ड्राइव पे। तो ड्राइव जो है, जब तक मैंने इसको नहीं किया था तब तक मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो छोटी कार्स के साथ है और ये दुनिया की सबसे बड़ी कार्स में से एक है अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि कैसे चलाऊँगा, और लॉस एंजलिस जो है आपको पता है यहाँ पर बहुत ही टाइट पार्किंग स्पॉट्स कई बार हमें मिल जाते हैं। बट सरप्राइज़ मेरे लिए ये था कि जब से मैं इसको चला रहा हूँ मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि इतनी बड़ी गाड़ी मैं चला रहा हूँ। बहुत ही ईजी है इसको मैनूवर करना और बहुत ही पावरफुल है ये कार। मतलब रियलाइज़ नहीं होता है कि आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो। और अगर इंजन की ही बात कर ले कहाँ से आती है पावर, तो यहाँ पे जीप ब्रांड का जो नया हरिकेन इंजन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि है 3 लीटर वाला इनलाइन 6। तो यहाँ पे पावर बहुत ही तगड़ी है, 510 हॉर्स पावर वाली कार में हमें मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 500 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क। तो बहुत ही क्विक कार है अपने साइज के लिए। जब मैंने पहली बार इसको चलाया था, जिस दिन पहले दिन ये मुझे मिली है, तो मैं अपने दोस्त को भी आके बोला, मैं कहा यार इतनी पावरफुल नहीं लग रही है, क्योंकि मेरे को आदत है छोटी कार चलाने की, ये बहुत ही बड़ी है। बट जब मैंने अपने स्पीडोमीटर पे देखा तब मुझे पता चला मैं कितना तेज जा रहा था। इतनी बड़ी गाड़ी है इसलिए वो इम्पैक्ट नहीं पता चलता जितना आपको मस्टैंग में पता चलता है किसी छोटी कार में, तो वो चीज़ है। और ब्रेकिंग बहुत ही बढ़िया मुझे इसकी लगी, और यहाँ पे हर कॉर्नर पे आपको एयर सस्पेंशन मिल रहा है, तो वो आपको जो ग्लाइडिंग फील होती है ना वो यहाँ पे मिल जाती है उस एयर सस्पेंशन की वजह से। और जिस भी ट्रेन पे आप हो आप मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हो, और आपकी जो कार है वो सारा टाइम आपके लिए सेलेक्ट करती रहती है कि कौन सी हाइट पे आपको गाड़ी को रखना है, ताकि आपको एकदम बढ़िया कम्फर्टेबल फील मिले। और यहाँ पे इंसुलेशन बहुत ही तगड़ी है गाड़ी के अंदर, नॉइज़ बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसे भी देख रहे होगे तो यहाँ पे कोई भी नॉइज़ गाड़ी के अंदर नहीं आती है, ट्रैफिक की जो भी नॉइज़ है वो आपकी ही है। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ घूम रहे हो तो आप आराम से बातें बातें कर सकते हो, गाड़ी के अंदर कोई भी रोड नॉइज़ नहीं आती है, बहुत ही कम है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही डेड है बट बहुत कम है। इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ी आएगी, बट वो नॉइज़ यहाँ पे नहीं है। और क्योंकि एक लग्जरी व्हीकल है तो चाहे V6 है, 510 हॉर्स पावर मिल रहा है, इंजन की उतनी ज़्यादा आवाज़ अंदर नहीं आती है। तो जिन लोगों को इंजन का साउंड सुनना है SUV में, शायद उनको उतना मज़ा ना आए, बट अगर आपको एक लग्जरी कार चाहिए तो डेफिनेटली ये कार आप सबके लिए है। और यहाँ पे जैसे भी मैं सिटी में भी मैन्यूवर कर रहा हूँ मुझे कोई भी इशू नहीं है, फुल ट्रैफिक में मैं चला रहा हूँ, मज़ेदार चल रही है, मोड़ ना हो कटिंग हो बहुत ही बढ़िया है। और एक बिग SUV से जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। और मेरे लिए जो सबसे सरप्राइजिंग था इस कार में कि इसमें बॉडी रोल नहीं है, इतनी बड़ी SUV होने के बाद भी यहाँ पे बॉडी रोल नहीं मिलता। बॉडी रोल मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, जब आप मोड़ते हो गाड़ी को तो गाड़ी जो हिलती है वो चीज़ इसमें नहीं है, चैसी बहुत ही सॉलिड है। और अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो यहाँ पे कंबाइंड माइलेज जो है वो है 16 की, सिटी में आपको मिलती है 14 की, और हाईवे पे आपको मिल जाती है 19 की। ये मैं माइल्स पर गैलन कह रहा हूँ, यानी कि एक गैलन में सिटी के अंदर 14 की माइलेज मिलती है। और यहाँ पे 8-स्पीड ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है, तो जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत ही स्मूथ है। अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप पकड़ सकते हो कि हाँ अभी शिफ्टिंग हो रही है, वरना नॉर्मल ड्राइविंग में आप नहीं रियलाइज कर पाओगे, इतना स्मूथ ये सब कुछ रहता है। तो ओवरऑल अगर ड्राइव की बात करूँ तो ड्राइव तो बहुत ही बढ़िया है। एक चीज़ जो यहाँ पे है, क्योंकि इसके अंदर आपको 22 इंचेस के व्हील मिल रहे हैं ऑब्सीडियन पैकेज के साथ, तो वहाँ पे कई बार जब बड़े पॉट होल्स आते हैं तो क्योंकि 22 इंचेस के व्हील्स हैं तो वो नहीं कंटेन कर पाते हैं उस नॉइज़ को, तो वो कभी कभी आपको लगेगा जब आप बहुत पॉट होल्स वाली जगह पे जाओगे। बट अगर आप अमेरिका में हो तो बहुत ही रेयर वो सिचुएशन है। अभी जैसे यहाँ पे मुझे एक 360 करना है तो बहुत ही ईजिली मैं इतनी बड़ी कार को 360 कर सकता हूँ, ये आप लोग देख रहे हो, एंड दैट्स इट। पूरा हमने चक्कर मारना था, पूरा चक्कर मार लिया। अब बात करते हैं क्या प्राइस है इस गाड़ी का, कितने की आपको मिलेगी जीप की ग्रैंड वैगनियर लॉन्ग व्हील बेस। और इस कार का प्राइस है 1,20,655 US dollars प्लस रजिस्ट्रेशन एंड टैक्सेस, तो वो हर स्टेट में अलग अलग होता है तो इसलिए उसका प्राइस नहीं बता रहा हूँ। MSRP की बात करें तो वो है 1,20,655। यहाँ पे बेस प्राइस इस गाड़ी का है 1,13,095 dollars। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हैं, जैसे $2,600 का ऑप्शन है जहाँ पे आपको रियर सीट एंटरटेनमेंट मिल जाता है, और उसके अलावा हैवी ड्यूटी ट्रेलर वाला टो पैकेज भी है जो है $1,370 का, और $1,600 का है ऑब्सीडियन पैकेज जहाँ पे आपको ये ड्यूअल टोन वाली फिनिश मिलती है, सारी चीजें ब्लैक आउट मिलती है। और ये थी मेरी वीडियो ग्रैंड वैगनियर लॉन्ग व्हील बेस के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है, गाड़ी पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि इसके बाद
कार्स की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं ब्रांड न्यू मर्सिडीज C300 की, जो कि मैंने अपने लिए परचेज किया। ये तो कंपनी की गाड़ी है, कुछ ही घंटों के बाद जाने वाली है। और अब आप लोग मुझे बताओ क्या आप चैनल के ऊपर देखना चाहते हो और क्या आपको ऐसी वीडियोस पसंद है। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। इस गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो या कोई और गाड़ी चैनल के ऊपर देखना चाहते हो, कमेंट करो, मुझे बताओ। जितना जल्दी होगा वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। और इस वीडियो को यहीं पे करता हूं खत्म। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।